हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है पूनम और आप देख रहे हैं एपी इंडियन ब्लॉगर। आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हमने घर पे पूजा कर ली है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर चलने से पहले मैं दिखाती हूँ अपने घर का मंदिर। यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया है। ये है नव दुर्गा की फ़ोटो। तो चलिए चलते हैं। आ चुके हैं मंदिर और आज दिन है सोमवार, तो इसलिए ये शंकर भगवान का भी मंदिर है। तो चलिए आगे चलते हैं। मंदिर और हम वहाँ से पूजा करके आ चुके हैं। तो मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए और एक तरफ मैंने रख दिया है चाय। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की रेसिपी, जो है साबुदाने की खिचड़ी और फ्राइड आलू, जो कि आप घर पे भी खा सकते हैं और टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए उबले कटे हुए आलू, सेंधा नमक, हरी मिर्च और भुनी हुई मूँगफली। गर्म होने पे सबसे पहले हम हरी मिर्च को घी में डाल देंगे। उसके बाद कटे हुए आलूओं को हम घी में डाल के 5 मिनट तक के लिए तल लेंगे। आलू सुनहरा होने पर अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक और भुनी हुई मूंगफली। अभी हमारा आलू बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे साबुदाने की खिचड़ी। इसके लिए हमें चाहिए भिगोया हुआ साबुदाना, मूँगफली भुनी हुई, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, सेंधा नमक, उबला बारीक कटा हुआ आलू और भून के पीसी हुई मूंगफली। पहले हम घी में हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद बारीक कटा हुआ आलू और उसे अच्छे से भून लेंगे। मिर्च हम कम खाते हैं इसलिए हमने कम ली है और वीडियो थोड़ा फास्ट करके दिखाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। और उसके बाद डालेंगे हम साबुदाना, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो आपस में चिपक जाता है। उसके बाद हम डालेंगे पीसी हुई मूंगफली जो हमने भून के पीस कर रखी थी, और उसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक हमने थोड़ा सा पहले भी डाल दिया है तो उसी हिसाब से डालेंगे। और ये बनके तैयार है। तो ये हमारी फलाहार थाली बनके तैयार है, जिसमें है साबुदाने की खिचड़ी, फ्राइड आलू और साथ में है केला और सेब और है दही। सेम यही सारी चीज़ें हमने टिफ़िन में रखी हुई है। ये मैंने क्विक तरीके से बना के दिखाई है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट में बताइएगा।
सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।